बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महम कहानी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्या कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको नावल कैसा लगा, मगर किन हालातों में, जब सब बदल गया था, यहाँ तक कि जिस रूढ़ हीरो के नरम और मेहरबान दिल पर वो फिदा थी वो पत्थर में तब्दील हो गया था। इसलान, आप सो गए हैं क्या? अरुषा की नरम आवाज़ कानों में पड़ी तो उसने जल्दी आँखें खोल कर सर घुमाया। आरुषा रूम में मौजूद थी और उससे पूछते हुए कोई काम भी कर रही थी। इस्लान उस पर निगाहें जमाए हुए ही लेटे से उठकर बैठ गया। माजी में खोए हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था और कब आंखें बंद हो गईं पता ही नहीं चला। बालों की उंगलियों से संवारते हुए वो आरुषा को अब भी देख रहा था जो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी। हादसा ही सही, मगर अल्लाह ने कैसे इन दोनों को एक कर दिया। एक दिन आरुषा की कही बात सच हो गई, कैसे उसका ही रिश्ता इस्लान मीर से जुड़ गया और एक अटूट रिश्ता जुड़ गया था। उनका निकाह के धागे से भी मजबूत रिश्ता था उनका, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। सब सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसे अपने करीब आता देख रहा था। ये आप मुस्कुरा किस खुशी में रहे हैं? आरुषा ने करीब आते ही आँखें सिकोड़ कर उसे घूरा था। तुम खुश हो ना, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वो आसूदगी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने करीब बिठा कर प्यार से उसके हाथों को सहलाने लगा था। तबीयत कैसी है अब? उसके नरम नाजुक हाथों को लगातार बड़े प्यार से सहलाते हुए मोहब्बत से पूछा। भी और आंखों और आंखें उसके चेहरे के हर नक्श को चूमने लगी। एकदम फिट फाट हशम आ गया ना, अब बिल्कुल ठीक ठाक रहूँगी। उसकी आवाज़ में एक खनक सी उतर आई थी। इस्लान ने इन हरी कांच सी आंखों की चमक दुगनी होती महसूस की थी, यानी मेरी मौजूदगी काफ़ी नहीं थी। मसनूई नाराज़गी से शिकवा करते हुए इस्लान की काली आंखें खफा सी हो गई थीं। न जाने क्यों उसके मामले में वह जुनूनी था और चाहता था कि आरुषा बस पहले उसे अहमियत दे। इस्लान के शिकवे पर आरुषा उसकी तरफ देखती शरारत से निचला लब दांतों तले दबा कर नफ़ी में सर हिलाने लगी। यानी नहीं, इस्लान ने अबरू सुकड़ी। वो फिर भी शरारत से इनकार में सर हिला रही थी कि इस्लान ने अपने हाथों में जकड़े उसके हाथों को ज़ोर से दबाया था। ओफ, बहुत जालिम हैं आप, इतनी ज़ोर से मेरा हाथ दबा दिया। वो हल्के से चिल्ला कर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश में लग गई थी। ये तुम्हारी सज़ा थी अपने भाई को मुझ पर फोकियत देने की। उसके दोनों हाथ बारी बारी उठाकर चूमते हुए वहाँ अपनी दाढ़ी भी रगड़ी थी। आप मेरे भाई से जेलिस हो रहे हैं? उसकी दाढ़ी की हल्की हल्की चुबन से हाथों में गुदगुदी सी हुई तो आरुषा ने कहते हुए अपने हाथ छुड़ा लिए। हाँ हो रहा हूँ, तुम्हारी दीवानगी मुझे अपने लिए चाहिए, सबसे पहले मैं फिर कोई और। ज़बरदस्ती उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आवाज़ में हुक्म के साथ साथ ज़िद भी थी। सच्ची, आपको अपने भाई वाली दीवानगी दिखाऊं, भाई वाला प्यार दूं? आरुषा की शरारत से कहने पर इस्लान का मुंह बन गया। अस्तगफुरुल्लाह, उसका मुंह बन गया। मुझे खालिस शोहरों वाली मोहब्बत चाहिए, वो भी बेहद बेशुमार। तुम्हारे दिल में और इस्लान मीर का दिल, इसका क्या? आरुषा की आंखों ने इस्लान की आंखों में अपना अक्स वाजे देखते हुए ही पूछा और खुद को छुड़ाती खड़ी हो गई। अभी वो भाग ही जाती कि इस्लान ने तेज़ी से उसकी कलाई जकड़ ली। तुम्हारे भाई के ख्याल से तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन बस इतना बता दो, आरुषा ने सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें दे दिया, अब मेरा इनाम क्या होगा? उसे देखते हुए शरारत से कहा, आपको क्या इनाम चाहिए? वो उस पर झुककर कोई गुस्ताखी करता कि ले ले इनाम, वो बेखुद से होते इस्लान मीर को वहीं सोफे पर फिर से धक्का देकर गिराती, फिर से दौड़ के सिम भागी थी और जाते होते सोफे पर गिरे इस्लान को एक फ्लाइंग किस भी दे गई थी। इतने से मेरा क्या होने वाला, अब तो अच्छे से तुम्हें इस हरकत की सज़ा दूंगा। वो सोफे से उठता हुआ मुस्कुराकर बोलता, खुद ही नीचे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। डाइनिंग टेबल पर ज़्यादातर आरुषा ही बोल रही थी। वो दोनों खामोशी से खाते हुए उसकी बातों पर बस हूँ हाँ करते सुन ही रहे थे।
इसलान तो वैसे ही बहुत कम बोलता था और हशम को हालात ने संजीदा कर दिया था। लग ही नहीं रहा था, वही हर वक्त बोलता हशम था। इन 6 महीनों ने उसके दिल व दिमाग पर गहरा असर डाला था। इसलान काफ़ी देर से उस पर निगाहें जमाए हशम के संजीदा चेहरे को देख और जांच रहा था, मगर संजीदगी के बावजूद भी उसके चेहरे पर सुकून था। तुम खा क्यों नहीं रहे हो हशम, खाना अच्छा नहीं लगा, आरुषा ने अपनी हर बात पर बस मुस्कुराते हशम की खामोशी महसूस करके फ़िक्रमंदी से पूछा था। नहीं, मैं खा रहा हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बना है, हशम ने मुस्कुराकर आरुषा की मोहब्बत से दिखा। उसे खुशहाल और मुतमईन देखकर उसके दिल में सुकून उतर आया था। जो उसने सोचा हुआ था वैसा कुछ नहीं था, आरुषा इस्लान मीर के साथ बहुत खुश थी। इतनी चुप क्यों हो, पहले तो इतने चुप नहीं रहते थे हाशु, क्या हुआ, कोई परेशानी है, वो अब फिक्रमंदी से बोल रही थी। इस्लान खाते हुए उसकी फिक्रमंदी पर बस उसे देखे जा रहा था। कोई परेशानी नहीं, तुमसे मिलकर सारी परेशानी दूर हो गई है, हशम ने बहन को मोहब्बत से देखते हुए नरमी से बोलकर उसकी फ़िक्र दूर करनी चाही थी। इसकी भी बारी का तुम बोल रही हो ना, बेचारे को क्या ज़रूरत पड़ेगी बोलने की। चुपचाप भाई बहन की बातें सुनते हुए आराम से चावल चबाते हुए आरुषा को देखकर इस्लान संजीदगी से बोला था, लेकिन काली आंखों की चमक और बढ़ गई थी। मैं तो आपकी भी बारी का बोल रही हूँ, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई बोलने की, आरुषा ने बुरा मानकर नाल चढ़ाई। हशम ने मुस्कुराकर अपनी बहन और बहनोई को बारी बारी देखा, शुक्र था इनके दरमियान सब ठीक था। आरुषा वैसी की वैसी ही थी, मगर रूड हीरो तब्दील हो चुका था। ये सोचकर हशम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम तो सबकी बारी का ही बोल लेती हो, दूसरों को कहाँ मौका मिलता है, मगर मुझे स्टॉप लगाने के लिए भी कभी टोकना पड़ता है। वो उसका दिल जलाने के पूरे मूड में था। बोल वो आरुषा से ही रहा था, मगर चमचे की मदद से चावल खाते हुए उसकी निगाह अपनी प्लेट पर ही थी। इस्लान, मैं आपसे बोलना बंद कर दूंगी, आरुषा ने उंगली उठाकर धमकी दी। अच्छी बात है, कब से बोलना बंद करोगी, टाइम बता दिया, वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ आरुषा से कहकर हशम से मुखातिब हुआ। हशम, खाना खाकर इधर स्टडी रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नरम आवाज़ में हशम का शाना थपक कर वो चेयर पीछे खिसका कर उड़ गया। एक नज़र इस्लान ने खुद को खफा नज़रों से देखती आरुषा पर डाली। उसका देखना ही था कि आरुषा ने नाराज़गी के इजहार आंखों से जाहिर करके निगाहें फेर कर चावल मुंह में डाले। उसका बच्चों वाला अंदाज इस्लान खुलकर मुस्कुरा दिया। अपनी जगह से एक कदम चलकर वो आरुषा की चेयर के पास रुका और फिर चेयर की पुश थाम कर उसके कानों के पास झुका था। मजाक कर रहा था, माई लाइफ, तुम्हारा बोलना मेरी खुशी है, मेरा सकून, खुले गाल अपने लबों से छूकर सीधा हो गया और उसका सर सहलाकर स्टडी रूम में चला गया। हाय इसकी बेशर्मी, वो भी हशम के सामने ऐसे बेशर्मी पर आरुषा दम बखुद सी हो गई थी। उसकी पूरी आंखें खुल चुकी थी, होंठ वाह हो चुके थे। हशम इन लम्हात में ऐसा बन गया था जैसे उसने कुछ देखा और सुना ही ना हो। सर झुकाए वो संजीदा नज़र आने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसे लगा ये कोशिश नाकाम हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी पानी पीकर अपनी ज़बरदस्त आती हंसी पर बमुश्किल कंट्रोल करता उड़ गया। इस्लान, भाई ने बुलाया है, सुनकर आता हूँ, तुम आराम से खाओ। आरुषा की हालत पर हशम को हंसी जब्त करना मुश्किल लग रहा था। इससे कहकर लबों को दांतों तले दबाता वो इधर ही बढ़ गया जिधर इस्लान मीर गया था। हद है बेशर्मी की, इनका गुस्सा, इनका जुल्म और अब इनका प्यार जताना सब मेरी जान ही निकाल कर रहेगा। वो अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेर कर नॉर्मल करने की कोशिश में बड़बड़ाकर फिर से चमचा उठाकर अपनी प्लेट साफ करने लगी। अब जो भी हो खाना थोड़े ही छोड़ सकती है, इसलिए आराम से खाए जा रही थी। वैसे भी शोहर और भाई दोनों खाने का कह कर गए हैं, इसलिए वो अब खाए जा रही थी। किचन से लाउंज फिर स्टडी रूम का डोर का तवाफ करती वो जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी।
इसलान को कितनी देर हो गई थी हशम के साथ स्टडी रूम में बंद हुए, मगर वो दोनों वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो काफ़ी भी लेने से मना कर दिया साहब ने, वरना इसी बहाने वहाँ एक बार घुस जाती तो इन दोनों की मजाल नहीं थी, उसे स्टडी रूम से बाहर निकाल देते। ऐसी कौन सी बात हो रही है, डोर बंद करके न जाने क्या कह रहे हैं इसलान हशम से, वो जानने की जस्तजू में स्टडी रूम के डोर से कान लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन ना कुछ सुनाई देना था ना सुनाई दिया। छोड़ आरुषा, जो होगा पता चल ही जाएगा। जब सुनाई देने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वो लाउंज में आकर सोफे पर एक तरफ फैल कर बैठ गई। उसका पसंदीदा ड्रामा शुरू होने वाला था, इसीलिए वो सब भूल भाल कर कंट्रोलर संभाल कर सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो ड्रामा देखने में इतना महू हो गई, फिर उसे पता ही नहीं चला वो दोनों कब स्टडी रूम से निकले और कब इसलान मीर हशम को लेकर बाहर चला गया। क्या फजूल के ड्रामे देखा करती हो, इसलान के अचानक उसके सर पर आकर खड़े होने पर आरुषा बुरी तरह से डरी थी। कंट्रोलर हार्ट से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया था। क्या है इसलान, डरा दिया मुझे, इत्तफाक से वो हॉरर सीरियल ही देख रही थी। इसलान के बोलने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी। जब इतनी डरपोक हो तो ऐसे सीरियल देखती क्यों हो, इसलान तासुब से सर हिलाकर उसके करीब ही सोफे पर बैठ गया। अच्छे लगते हैं, मिल गई फुर्सत आपको, और हशम कहाँ है, एक साथ सारे जवाब सवाल करते हुए वो ज़रा से परे भी खिसकी। चालाकी मत करो, वो उसके परे खिसकने पर आराम से बोलकर उसकी गोद में सर रख कर ही लेट गया। इसलान क्या करते हैं, अभी आपकी डाइनिंग टेबल वाली हरकत पर मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं हुई है, अब ये हशम क्या सोचेगा। वो घबराकर इधर उधर देखती, उसके सर को अपनी गोद से हटाने लगी। कोई होगा तो देखेगा ना, हशम चला गया है, इसलान आराम पर से सर रखे। आरुषा के दोनों हाथ अपने सीने पर रख चुका था। महसूस करना है जो तुम्हारी गोद में मुझे मिल रहा है, वो मुस्कुरा कर कहता, करवट लेकर उसके पहलू में अपना चेहरा छुपाकर आरुषा की कमर में हाथ बांध के सर को देखा। मेरे बालों में उंगलियां फेरो ना, प्यार से फरमाइश करते हुए एक हाथ से आरुषा का हाथ अपने सर पर रख दिया और फिर से अपना चेहरा उसके पहलू में छुपा लिया। अच्छी फरमाइश है, आरुषा ने इस पर जल कर सोचा। दिल कहाँ इसके घने काले बालों को नोच डाले, मगर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। वो मुँह बनाकर सोचती उसके बालों में उंगलियाँ चलाने लगी। अंदाज ऐसा था कि बाल नोचने के ही बराबर था। कसम से माँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, शोहर को कैसे खुश किया जाता है तुम्हें ज़रा भी इल्म नहीं। उंगलियों को प्यार से फेरने के लिए कहा है, बाल नोचने के लिए नहीं। इसलान ने उसकी गोद में फिर से सीधे लेटते हुए सर ऊंचा करके संजीदगी से उसे देखा था। आपको भी तो पता नहीं चलता कब गुस्से में हैं, कब बेरहम हो जाते हैं और न जाने कब रोमांस फूट पड़ता है, आरुषा ने होंठ टेढ़ा करके शिकवा किया। तो कोशिश करो ना मुझे जानने की, मैं कब क्या चाहता हूँ माय क्यूटी। इसलान ने उसकी गर्दन में एक हाथ डालकर उसका चेहरा खुद पर झुकाकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी। मुझे नहीं जानना, आरुषा अपनी गर्दन उसके हाथों से छुड़ा कर सीधी बैठ गई। क्यों, इसलान ने होंठ से उसे देखा। क्योंकि मुझे आप अपने हर रूप में कबूल हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आप पर मैं दिल व जान से फिदा हूँ। मुझे इसलान वीर से इश्क के एंग्री मैन पर दिल हारा है, अब जैसा भी है झेल लूँगी। आरुषा जानती थी इसलान वीर का एतबार उसका मोहब्बत भरा इजहार ही बहाल करता रहेगा, इसलिए उसने इजहार करके आखिर में से दूर हट कर बैठ गया। आरुषा ने भी तेज़ी से उठ कर बैठते हुए अपने हवास भी दुरुस्त करने शुरू किए थे। हशम वापस हॉस्टल चला गया सुबह उसके टेस्ट से, इसीलिए चाह कर भी नहीं रुक सका। इसलान अब खुद को संभाल चुका था, अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए उसने संजीदगी से पास बैठी आरुषा को बताया। जी हशम ने बताया था, मगर वो मिले बिना क्यों चला गया, वो अब भी इन लम्हों के फंसू में जकड़ी हुई थी। भीगी हथेलियों को आपस में भींचे हुए उसकी मरी मरी सी ही आवाज़ निकली थी। इसलान ने गर्दन मोड़कर आरुषा को देखा, उसके चेहरे पर अब भी हया की लाली बिखरी उसे गुलनार बनाए हुई थी, निगाहें झुकी हुई थी, वो वक़्त ही उससे निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी।
तुम इतनी शर्मीली हो, पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं छुड़ाते हुए आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इस्लान को भी उसकी हालत पर रहम आ ही गया। उसके सुख गाल थपकते हुए उसकी कलाई भी छोड़ दी। आरुषा ने सुख का सांस लेते हुए फिर से सोफे पर बैठ गई। इस्लान की तरफ देखकर बेसाख्ता पूछा, आप नहीं सोएंगे? चलो सोते हैं। वह कुछ सोचता फिर सर हिलाकर नरमी से मुस्कुराकर सोफे से उठ गया। फिर आरुषा का हाथ थाम कर वो बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अपने बेडरूम में वो विंडो शेल्फ पर बैठी लॉन में खुले हुए फूलों को देखते हुए अपनी सोचों में खोई हुई थी, जब माँ जी डोर खोलकर उसके रूम में दाखिल हुईं। उन्होंने बहुत अफसोस और मलाल से अपनी बेटी को देखा। वो माँ थी, सब समझती थी कि उनकी बेटी जो ज़ाहरी तौर पर बहुत खुश नज़र आती है, अंदर ही अंदर घुली जा रही है। हानिया वहाँ क्या कर रही हो? अपनी असली संजीदगी से कहते हुए उन्होंने हानिया को ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। हानिया ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाए उन्हें देखने लगी थी। आरुषा से मिलोगी? उनके एकदम से कहने पर हानिया ने बेयकीन नज़रों से अपनी माँ को देखा। हैरानी और खुशी इतनी हुई थी कि कूदकर विंडो शेल्फ से वो उतरी थी। आशु आई है क्या? दूसरे ही पल वो उसी बे इंतहा खुशी से बाहर निकलने लगी। उसने यही समझा था कि इस्लान आरुषा को लेकर आया हुआ है, वरना उनके हवेली से निकलने में तो सख्त पाबंदी लगी हुई थी। निदा सदा तो फिर भी स्कूल जाती थी, मगर हानिया तो हवेली में कैद हो गई थी। आरुषा नहीं आई है, इस्लान ने हमें वहाँ बुलाया है, माँ जी ने बताया। तो हानिया चुप सी हो गई और बेहद ताज्जुब से माँ जी की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर उसके करीब आ गई और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस्लान ने तुम्हें वहाँ अपने पास बुलाया है, उन्होंने हानिया की थोड़ी छूकर प्यार से कहकर उसे हैरान ही कर दिया। लाला ने मुझे हानिया को शौक लगा था, इसीलिए वो मारे हैरत के हकलास ही गई। हाँ उसे कोई काम है, इसीलिए मुझे बुलाया है। साथ ही कहा तुम आरुषा से भी मिल लेना। वो मुस्कुराई तो हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। माँ सच में हम वहाँ जा रहे हैं, वो उनका हाथ थामे यकीन और बेयकीनी वाली कैफियत में मुब्तला थी। हाँ बस मैं और तुम और कोई नहीं, तुम किसी से कहना मत। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी से भी नहीं, ठीक? माँ जी कहकर उसका हाथ छोड़ चुकी थी। क्यों माँ, निता सदा को भी ले चलते हैं ना, वो भी इंजॉय कर लेंगी। हानिया ने खुशी से इन दोनों को भी शामिल करना चाहा। नहीं कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों चल रहे हैं। मैं अपना चेकअप करवाने चल रही हूँ और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम सबसे यही कहोगी। इस बार उन्होंने सख्त आवाज़ में कहकर उसे समझाया। लेकिन मैं तो ठीक हूँ, हानिया के भोलेपन पर उन्होंने गहरी सांस भरी। हाँ मगर मैं कह रही हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, सबसे यही कहना, वरना ना जाना और आरुषा से मिलना कैंसिल। सख्ती से अपनी आखिरी बात से हानिया को धमकी दी। अचानक से तबीयत बहुत बिगड़ गई है माँ, देखिए लगता है बुखार हो गया है। इस बार हानिया अपनी पेशानी छू छू कर बहुत ही नकाहत से बोली तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए बस हाँ में सर हिलाया और उसके रूम से निकल गई। आशु मैं आ रही हूँ, हानिया खुशी से आंखें मीच कर उछली और फिर तैयार होने के लिए भागी। कहीं जा रही हो शाजी? अभी माँ जी हॉल रूम में आई ही थी कि चाची ने हैरत से अपनी जिठानी को देखा था। चादर में ढका वजूद और हाथों में हैंडबैग, वो पूछे बिना नहीं रह सकी। इस्लान ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, रात उसने आने का बोला, इसीलिए आज जा रही हूँ। वो मुस्कुराकर उन्हें बताकर अपना हैंडबैग भी चेक कर रही थी। तो मैं चलती हूँ, बस अम्मा जान से बता दूँ, उन्होंने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश करते हुए उजलत से अम्मा जान के रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं आसी रहने दो, ड्राइवर है, गार्ड्स हैं और हानिया भी तो जा रही है साथ, उन्होंने नरमी से मना कर दिया। वो अपनी जगह पर ठहर सी गई। हानिया भी जा रही है? इतने महीनों से हानिया हवेली में ही थी, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी तो ताज्जुब होना ही था उन्हें। हाँ उसकी भी तबीयत नहीं ठीक, सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ, सुस्ती हो रही है, वो फिर से हैंडबैग चेक करती लापरवाही से बोली थी। चाची ने पूछना चाहा, अभी सुबह तक तो अच्छी वाली खा पी टहल रही थी, एकदम से क्या हो गया? मगर पूछा नहीं। इतनी देर में हानिया भी अब आया, औरती तेज़ तेज़
कदम उठाते हुए हॉल रूम में दाखिल हुई थी। क्या हुआ है हानी, तबीयत कैसे ख़राब हो गई? चाची मज़े से गम चबाती, अपने आप में मगन, हंसती मुस्कुराती आती हानिया से मुस्कुराकर पूछने लगी। माँ जी ने चौंक कर अपनी देवरानी को देखा। आज पहली बार उनका अंदाज उन्हें खटका था। जी वो बुखार हो गया और खांसी भी आ रही है, हानिया को फौरन एहसास हुआ। ऐसे मस्ती में चले आकर उसने गलती की। तेज़ी से चेहरे पर कमजोरी तारी करते हुए खांसने भी लगी। ख्याल रखा करो, आजकल मौसम भी अच्छा नहीं है, वो मुस्कुराकर उसे गौर से देख रही थी। हानिया को खांसते हुए एक्टिंग करना मुश्किल लगा था। ताई हम भी चलें, शुक्र था निदा सदा के बोलने पर चाची और माँ जी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। नहीं तुम लोग घर पर रहो, इसलान ने ख़ास तौर पर अपनी चाची से इल्तिजा की है कि चाची से कहिए घर पर रहें, उसे बस चाची पर भरोसा है। माँ जी ने निदा सदा को मना करके चाची के शाने पर हाथ रखकर प्यार से थपका। हाँ हाँ जाओ, इसलान से कहना यहाँ मैं हूँ। चाची का ध्यान बढ़ गया, वह अब खुश होकर इन लोगों से बोली, हमको देर हो जाएगी, शायद रात भी रुक जाएं। ओके अम्मा जान, और बेटियों का ख्याल रखना, वो उनसे कहकर हानिया की तरफ मुड़ी। आओ हानिया, वो अबाया पहनकर तैयार हानिया को लेकर हवेली से निकल गई।